वेलकम यू ऑल इन माय ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज। आज हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के नामकरण की प्रक्रिया, उससे जुड़े मौसम वेदर कंडीशंस और ग्लोबल वार्मिंग और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच संबंधों पर चर्चा करेंगे। द नेमिंग प्रोसेस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टार्टेड विद द नेमिंग ऑफ हरिकेन्स ओरिजिनेटिंग इन द कैरेबियन सी एंड हिटिंग द साउथ एंड साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1953। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में नामकरण की प्रक्रिया कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले हरिकेन से संयुक्त राज्य अमेरिका में 1953 ईस्वी में प्रारंभ होती है। एंड द नेमिंग प्रोसेस ऑफ हरिकेन स्टार्टेड इन 1953 एंड कंटिन्यूड टिल 1978 विद फीमेल नेम। संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन के का नामकरण 1953 से 1978 तक महिलाओं के नाम पर होता रहा, बट द वीमेन एक्टिविस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स staged a very strong protest about the naming process of hurricane only on female names। और महिलाओं के एक वर्ग ने इस धारणा का घोर विरोध किया कि हरिकेन्स का नामकरण केवल महिलाओं के नाम पर ही क्यों, पुरुषों का क्यों नाम न हो। And therefore, it was agreed upon in 1978 to include the name of women as well as men for the naming of hurricanes. One year, the female name. The next year, the male name. The next year, female name. And so on. और ये प्रक्रिया आज तक चल रही है। As regards naming of tropical cyclones in South India, South Asia, including 8 countries, Oman, Pakistan, India, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Sri Lanka, and Maldives began in 2004। दक्षिणी एशिया के 8 देशों में, जिसमें ओमान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका और मालदीव सम्मिलित हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया 2004 ईस्वी से प्रारंभ हुई, जबकि इन 8 देशों ने मिलकर के 64 नामों की एक लिस्ट को स्वीकृति प्रदान की। अ लिस्ट ऑफ 64 नेम्स बाय दीज 8 कंट्रीज वेयर वाज agreed upon in 2004। और प्रत्येक देश से 8 नाम लिए गए। इस तरह से नामकरण की जिम्मेदारी IMD न्यू दिल्ली, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नई दिल्ली को सौंपा गया। और IMD प्रतिवर्ष अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का नामकरण के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक एक नाम चुन करके
प्रस्तुत करता है स्वीकृति के लिए. सो द नेम्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 64 नेम्स इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. इसी तरह से हर क्षेत्रों में जहां पर प्रत्येक क्षेत्र में जहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्पन्न होते हैं उनका अलग अलग रूपों में नामकरण किया जाता है. जैसे चाइना में अलग प्रक्रिया है, जापान में अलग प्रक्रिया है, फिलीपींस में अलग प्रक्रिया है, एंड सो ऑन. अब देखिए 2004 में एक बहुत ही विध्वंसक हरिकेन आया था यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका के खाड़ी तटीय क्षेत्र में, जिसने न्यू ऑरलियंस को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया था. उसका नाम क्या था? कैटरीना. तो यूएस में महिलाओं ने क्यों इसका विरोध किया कि इनका हरिकेन का नामकरण केवल महिलाओं के नाम पर क्यों? उनका मानना था और सही मानना था कि महिलाओं को विध्वंसक रूप में, विनाश के रूप में क्यों प्रस्तुत किया जाता है? बिकॉज यू नो दैट हरिकेन्स आर वेरी डिसास्ट्रस, सो व्हाई ओनली वीमेन आर ब्लेम्ड फॉर डिस्ट्रक्शन कास्ट बाय हरिकेन्स, व्हाई नॉट द मेल्स? अब सेकेंड बिंदु आता है, दूसरा बिंदु आता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के साथ किस तरह का मौसम होता है. द अराइवल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज हेराल्डेड बाय सडन इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्रॉप इन प्रेशर एंड सिरस एंड सिरो स्टेटस क्लाउड्स इन द स्काई. उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब स्थली भाग की ओर आने को होते हैं तो हवा की गति अचानक बढ़ जाती है, तापमान में वृद्धि होती है, वायु दाब न्यून होता है और आकाश में सिरस और सिरो स्टेटस बादल छा जाते हैं. जब तट के पास आता है साइक्लोन तो गति और भी अधिक हो जाती है और आकाश में घने क्यूमुलोनिम्बस बादल छा जाते हैं, बरसात प्रारंभ हो जाती है, तापमान कम होता है, वायु दाब बढ़ जाती है और हवा के गति में परिवर्तन होता है. इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के द्वारा भारी मूसलाधार वर्षा होती है और एक स्टॉर्म के द्वारा घंटे में 100 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर की बरसात हो जाती है. एंड व्हेन द साइक्लोन्स बिकम वेरी स्ट्रांग इट मे बी 750 मिलीमीटर टू 1000 मिलीमीटर बाय वन स्टार. इन द मैक्सिमम रेनफॉल रिकॉर्डेड सो फार इन 24 आवर्स is 3000 millimeter and that was recorded in Philippines. भारत में इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ट्रैकिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है क्योंकि दोनों पूर्वी और पश्चिमी तटों पर तमाम राडार लगाए गए हैं. इसलिए IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इनका जो है घंटा दर घंटा इनका पीछा करता है और इसकी भविष्यवाणी जो है वो दी जाती है टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से देशवासियों को और पड़ोसी देशों को. देयर इज ए वेल यू कैन से एस्टैब्लिश्ड ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया थ्रू सेवरल रडार्स स्टॉल्ड at the eastern and the western coast of the countries. And there is a well-organized cyclone warning centers
and system in India. And the cyclones are tracked and hour by hour, you can say minute by minute, information is transmitted to the general public through television, radio set in India and neighboring countries. Up global warming और ट्रॉपिकल साइक्लोन में के आवृत्ति और इनकी प्रचंडता में सीधा संबंध दिखाई देता है. There is a close relationship between the global warming and frequency and severity of tropical cyclones. अगर हम 2000 ईस्वी से 2020 तक हम अगर देखें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का, कम से कम अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, तो इनकी संख्या और इनकी प्रचंडता में काफी वृद्धि हुई है. जैसे 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था जिसमें विंड स्पीड अराउंड 300 किलोमीटर से ऊपर थी प्रति घंटा, लेकिन उस समय नामकरण नहीं होता था. नामकरण होने के बाद अगर हम देखें तो 2013 में फेलिन साइक्लोन, 2014 में हुदहुद साइक्लोन, 2017 में ओखी साइक्लोन और अभी 20 मई 2020 में अम्फान साइक्लोन, ये भीषण चक्रवात थे जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुए थे. इसी तरह से अगर हम कैरेबियन सागर में देखें तो हरिकेन्स के आवृत्ति माने फ्रीक्वेंसी और प्रचंडता में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है. द सेम इज द थिंग विद टाइफून इन चाइना एंड टाइफू इन जापान. और ये मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि किसी ट्रॉपिकल साइक्लोन का नामकरण उसी दशा में होता है जबकि विंड स्पीड न्यूनतम 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो और कम से कम 3 मिनट तक ही टिक सके. एनी ट्रॉपिकल साइक्लोन इज गिवन नेम ओनली व्हेन अ सस्टेन्ड विंड स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर फॉर 3 मिनट्स इज मेंटेन्ड. ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो समुद्री सतह पर ज्यादा विध्वंसक और प्रचंड होते हैं क्योंकि इनकी जो ऊर्जा होती है वो मॉइस्चर से मिलती है. जब ये तटीय क्षेत्रों से टकराते हैं तो ये कमजोर हो जाते हैं और जैसे जैसे ये अंदर की तरफ स्थली भाग में प्रवेश करते हैं कमजोर होते जाते हैं, वर्षा कम होती जाती है, हवा की गति मंद पड़ती जाती है. एंड देयरफॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एडवर्सली अफेक्ट ओनली द कोस्टल रीजन ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री और ए पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट. इन ट्रॉपिकल साइक्लोन के द्वारा कितनी आपदा उत्पन्न होती है और उसका प्रबंधन कैसे होता है, इसका विवरण अब हम तब देंगे जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट वाले विषय को प्रारंभ करेंगे. नमस्कार.